हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्पॉन्सर्ड एमटेक प्रोग्राम के बारे में, जो कि है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी कानपुर में। बट कंडीशन है ये स्पेसिफिकली है फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम लद्दाख। देखो, देर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द यूटी ऑफ लद्दाख, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख एंड आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर एंड आईआईटी दिल्ली, जिसके तहत वो जो स्टूडेंट लद्दाख रीजन के हैं, जिन्होंने अपना एजुकेशन या तो लद्दाख में या कहीं भी किसी भी कॉर्नर ऑफ अवर कंट्री से कंप्लीट किया है, वो कुछ अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं, एलिजिबल है। उन अपॉर्चुनिटीज में कुछ शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज भी है और कुछ आपके पास लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटरेस्ट है दैट इज स्पॉन्सर्ड एमटेक, जिसका ड्यूरेशन कितना है, 2 साल, जितना आपका रेगुलर एमटेक का ड्यूरेशन रहता है, राइट। अब देखिए, जब हम स्पॉन्सर्ड एमटेक के बारे में सुनते हैं तो फर्स्ट थिंग्स विच कम्स टू अवर माइंड इज कि हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट नहीं, जो ये लद्दाख के स्टूडेंट के लिए स्पॉन्सर्ड एमटेक है, इसमें फाइनल ईयर में कोई अभी है अपना बीटेक का फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम लिख रहा है, वो भी इक्वली एलिजिबल है, बिकॉज दिस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख एंड आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर एंड आईआईटी बॉम्बे। यस, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एमटेक इसके कुछ बॉन्ड एग्रीमेंट्स, कंडीशंस एंड टर्म्स है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखिए, अगर आप लद्दाख रीजन के रहने वाले हो और आप आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर और आईआईटी बॉम्बे में पढ़ने का सपना देख रहे हो, तो दिस इज वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। इसके लिए आपको गेट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है और आपको 25,000 पर मंथ स्कॉलरशिप भी मिलेगा, राइट। तो इसके कुछ और हम ब्रीफ्स देखते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, राइट। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप की, तो वो आपका 2 मंथ का होगा। उसके बाद हम बात करें लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप की, अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप अप्लाई करना चाहते हो, आप तीनों आईआईटीज में अप्लाई कर सकते हो, तो किसी एक में आप कर सकते हो। इसका ड्यूरेशन 6 मंथ रहेगा। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस टाइम पे है, वो है स्पॉन्सर्ड एमटेक प्रोग्राम, जिसका ड्यूरेशन आपका 2 साल है, जो कि आपका रेगुलर एमटेक का ड्यूरेशन भी रहता है। अब किसके लिए, कौन एलिजिबल है? देखो, जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसमें डिग्री और डिप्लोमा का कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। यू कैन सी हेयर, एवरीथिंग इज मेंशन हेयर। ये लिंक में आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप लद्दाख रीजन के हैं और आपने अपना अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट करा इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, किसी भी एक डोमेन में, आप इक्वली एलिजिबल हो टू डू द इंटर्नशिप फॉर 2 मंथ एंड 6 मंथ, और इसमें आपको स्टाइफंड भी पे होगा। कितना होगा मैं आपको आगे बताऊंगा, राइट। अब आते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पॉन्सर्ड एमटेक प्रोग्राम की तरफ। देखिए, द स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग, या तो आपने बीटेक कंप्लीट करा है 4 साल का, या फिर आपने बीएससी के बाद 2 साल का एमएससी कंप्लीट करा, तो भी आप इक्वली एलिजिबल हो। और जो फाइनल सेमेस्टर में है वो भी इक्वली एलिजिबल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो व्हाट आई बिलीव, जो स्टूडेंट लद्दाख रीजन के हैं और अगर वो आईआईटी कानपुर, दिल्ली, बॉम्बे से अपना मास्टर्स कंप्लीट करना चाहते हैं विदाउट गेट स्कोर, तो दिस इज द वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इनटेक्स के बारे में देख सकते हो, तीनों में मिला के 30 इंटेक्स जो शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप है, 15 इंटेक जो आपका 6 मंथ का इंटर्नशिप है, और एमटेक के लिए टोटल सीट्स का जो इंटेक है दैट इज 12, राइट। अब देखिए कि सर, इन तीनों आईआईटीज में से हमें मिलेगा कैसे, वो है चॉइस ऑफ आईआईटी कैसे होगा। देखो, इसमें 3 फैक्टर देखे जाएंगे। सबसे पहला, एमटेक में हम बात करें, प्रेफरेंस ऑफ द आईआईटी डिसीजन विल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द कि स्टूडेंट ने किस प्रेफरेंस में भरा है, और जो मेरिट क्या बन रही है और सीट्स की अवेलेबिलिटी क्या है, उसके बेसिस पे ये सब देखा जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, जो आपका शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप है उसमें ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन आपके एकेडमिक्स एटसेट्रा चेक किए जाएंगे। अगर मैं लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप की बात करूं, उसमें आपका एक एप्लीकेशन के थ्रू शॉर्ट लिस्टिंग होगा और दूसरा आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। अगर मैं एमटेक की बात करूं, तो एमटेक में भी वही प्रोसेस रहेगा। एक तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा उसके बेसिस पर शॉर्ट लिस्टिंग होगा, और उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू भी रहेगा, राइट। अब देखिए फीस कितना है। अगर आप शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो तो यू नीड टू डिपॉजिट 1,000 रुपीज, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो यू नीड टू डिपॉजिट 5,000 फीस, राइट। अगर आप एमटेक के लिए जा रहे हैं तो उसमें जो किसी भी आईआईटी में स्पॉन्सर्ड एमटेक कोर्सेज की फीस रहती है, वही आपके लिए एप्लीकेबल रहेगी, जो हर एक आईआईटी के वेबसाइट पे इजीली फेजेबल है। अब स्कॉलरशिप, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कितना मिलेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपको कंसोलिडेटेड 15,000 रुपए मिलेंगे 2 महीने में, और अगर आप लॉन्ग टर्म कर रहे हैं तो आपको 50,000 रुपए मिलेंगे 6 महीने के, इट मींस 8,000 अप्रोक्स पर मंथ। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एमटेक में आपको 25,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगा, विच इज अ ह्यूज स्कॉलरशिप, एटलीस्ट और एटमोस्ट डबल ऑफ द स्कॉलरशिप विच यू गेट थ्रू द एमएचआरडी, राइट।
अब देखिए इंटर्नशिप में कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे भी कोई बॉन्ड नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना। ऑब्वियसली अगर आपको यूटी ऑफ लद्दाख स्पॉन्सर्ड कर रही है तो उसके पीछे उनका कोई मोटिव रहा होगा, पर्पज रहा होगा, तभी ये एग्रीमेंट आपका साइन हुआ है। तो देखिए स्पॉन्सरशिप ऑफ एमटेक वुड इन्वॉल्व अ कमिटमेंट टू वर्क फॉर द एजुकेशन डिपार्टमेंट और यूटी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, जिसके डिटेल्स आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के वेबसाइट्स पे, किस तरह के रोल्स रहेंगे, किस तरह के प्रोफाइल्स रहेंगे। राइट, क्या आपको हॉस्टल अकोमोडेशन मिलेगा तीनों में? यस, आपको तीनों में हॉस्टल का अकोमोडेशन मिलेगा, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए चाहते तब भी, लॉन्ग टर्म के लिए चाहते तब भी, एमटेक के लिए चाहते तब भी। राइट, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका जो लास्ट डेडलाइन है वो 30 जून है अप्लाई करने का, तो अभी आपके पास 3 से 4 दिन है, तो जो भी लद्दाख रीजन का स्टूडेंट है दे कैन अप्लाई, और ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। रिजल्ट अनाउंसमेंट डेट आपका रिस्पेक्टिवली दे रखा है, और एक्सपेक्टेड स्टार्ट डेट अगर मैं एमटेक की बात करूं, जो रिस्पेक्टिव आईआईटी का सेमेस्टर का स्टार्ट डेट होगा तभी आप स्टार्ट करोगे अपना करिकुलम। राइट, तो देखिए इसके नीचे कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने होंगे जब आप इसको अप्लाई करोगे। ये लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कहां से आपको अप्लाई करना, जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करोगे यू कैन सी हेयर विल एन ऑप्शन फॉर अप्लाई नाउ, यू कैन क्लिक एंड अप्लाई हेयर। राइट, अगर आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यहां पे एक आपके पास और ऑप्शन आ रहा है, कॉन्टेक्ट अस, यू कैन कनेक्ट हेयर एंड यू कैन कॉन्टेक्ट देम। गॉट इट? सो दिस इज द वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट हु बिलोंग टू द लद्दाख रीजन, इफ दे आर विलिंग टू कंप्लीट देयर एमटेक फ्रॉम वन ऑफ द प्रीमियर एंड टॉप नोच इंस्टीट्यूट like Delhi, Bombay and Kanpur. Right, thank you.